अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी आलू गोश्त की रेसिपी, बिल्कुल नए अंदाज में। जब इस तरह से आप आलू गोश्त बनाएंगे तो इसकी डिमांड और भी बढ़ जाएगी, फिर और भी जल्दी जल्दी आप इस रेसिपी को बनाएंगे क्योंकि पसंद ही इतनी आने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल ऐड किया है, तो आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तो तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे और यहाँ पर हमने लिया है 300 ग्राम आलू, तो इसको हमने 20 से कट कर लिया है, 2 पीस में डिवाइड किया है हमने आलू को। अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है, तो इसको हमें फ्राई करना है जब तक कि इसमें एक गोल्डन सी लेयर नहीं आ जाती, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। जब आप इस तरह से आलू को फ्राई करके गोश्त में ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खाने में। तो जब तक हमारे आलू फ्राई होते हैं, तो यहाँ पर हमने लिया है 1/2 किलो बीफ का गोश्त, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो थोड़ा सा इसमें हमने फ़ैट मिक्स करवाया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ़ैट से। तो अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है, तो यहाँ पर हमारे आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें गोल्डन सी लेयर आ चुकी है। तो इसी तरह से आलू को हमें फ्राई करना होता है, तो ये सारे आलू हमें बाहर निकाल लेना है। अब हमें एक्स्ट्रा तेल डालने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 चम्मच तेल ऐड किया था। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये गोश्त, तो इसको हमें इतना भूनना है जब तक कि इसका कलर वाइट नहीं हो जाता, तब तक कि हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसका कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है, ये अच्छे से भून चुका है गोश्त, सारा पानी भी इसका खुश्क हो गया है। अब इसमें हमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको भी हमें 2 से 3 मिनट तक के भूनना है जब तक कि अदरक का कच्चापन दूर नहीं हो जाता। जितने ही अच्छे से हम गोश्त की भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा हमारा गोश्त खाने में लगता है। तो अदरक लहसुन भी अच्छे से भून चुका है, तो अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। 1/2 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है, 1 चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भूनते जाएंगे। पानी अभी हमें नहीं डालना है, इसको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। तो 1 मिनट तक इन मसालों को हमने अच्छे से गोश्त के साथ भून लिया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे दही, तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी दही लिया है, तो टोटल ये 200 ग्राम दही का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो अब दही के साथ इसकी हमें भुनाई करनी है, बिल्कुल भी इसमें पानी हमने नहीं डाला है, दही अपना पानी खुद छोड़ेगा, तो इसमें ही अच्छे से मसाले हमारे भुन जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट तक के इन मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है, तेल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो 1.5 कप पानी का यूज़ करेंगे क्योंकि गोश्त को भी हमें गलाना है, तो 1.5 कप पानी काफ़ी है गोश्त को गलाने के लिए। अब हमें कवर कर देना है कुकर को, तो हमें इसमें लेना है 4 से 5 सीटी, तो 1 सीटी हमें हाई फ्लेम पर ले लेनी है और बाकी की 4-5 सीटी हमें मीडियम फ्लेम पर लेनी है। तो टोटल 15 से 16 मिनट लग जाएंगे गोश्त को गलने में। तो यहाँ पर 4 से 5 सीटी आ चुकी थी, तो हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, तो आप देख सकते हैं कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है। तो अब इसे हम चेक कर लेंगे गोश्त को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा पानी है अभी इसमें, तो इसको हमें भूनना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे गोश्त हमारा गला है कि नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। तो अब इसको हमें हाई फ्लेम पे करके इसका सारा पानी खुश्क करना है, लेकिन उससे पहले इसमें हमें प्याज ऐड करनी है क्योंकि प्याज को हमने पहले नहीं ऐड किया था। ये हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया था, अब इसको हमें अच्छे से मैश कर लेना है। आप चाहें तो मिक्सी जार में भी इसे पीस सकते हैं, पर इस तरह से आप अगर हाथों से क्रश करके डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और मसाले भी हमारे बिल्कुल दानेदार रहेंगे। तो अच्छे से हमको इसको क्रश करके ही ऐड कर देना है। तो प्याज को हमें इसी तरह से भून लेना है अच्छे से, तो बहुत ही अच्छा हमारा मसाला तैयार हो जाएगा।
तो है ना बिल्कुल नया तरीका आलू गोश्त बनाने का। जब आप इस तरह से आलू गोश्त बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आलू गोश्त में। तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है, जो हमने प्याज इसमें ऐड करी है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, बिल्कुल दानेदार हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और जो हमने आलू तल के रखा हुआ था वो भी ऐड कर देना है और 1 मिनट तक के इसको हमें इसी तरह से भून लेना है, क्योंकि आलू में भी मसालों का फ्लेवर अच्छे से जाना चाहिए। तो 1 मिनट तक के हमने आलू को मसालों के साथ भून लिया है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि इसमें हमें ग्रेवी करनी है। तो आपको जितनी भी गाढ़ी या पतली ग्रेवी करनी है आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। तो 1 कप पानी हमने इसमें ऐड किया है, 1 चम्मच इसमें हम गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से हमें ग्रेवी रखनी थी, आपको जितनी भी पतली रखनी है आप पानी और बढ़ा सकते हैं। तो आलू को ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फ्राई करते समय ये आधे कुक हो चुके हैं। तो हम ढक्कन लगा देंगे, 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको इसी तरह से कवर करके पकाएंगे। सीटी वगैरह हमें नहीं लेनी है इसमें। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 है ना बिल्कुल नया तरीका आलू गोश्त बनाने का। अब हर रोज़ आप लोगों के घरों में डिमांड होगी कि आलू गोश्त ही बनेगा। अगर आपको लगे कि ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है तो आप इसमें गर्म पानी करके ऐड कर सकते हैं, तो उससे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी काफ़ी ठीक हो जाएगी। तो ये मज़ेदार से हमारे आलू गोश्त बन करके रेडी हो चुके हैं। आप लोगों को अगर ज़रा भी वीडियो ये हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घरों में, बहुत ही मज़ेदार से ये आलू गोश्त हमारे बनेंगे। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।